नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा। हिमाचल में 1500 रुपए पर बवाल, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता का उल्लंघन बताया। हाईकोर्ट की सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी। ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। केंद्रीय चुनाव आयोग के एक्शन के बाद जागी हिमाचल सरकार, राकेश कंवर से जीएडी वापस लिया। जगत सुख के नागनी नाला में भूस्खलन से 2.5 मंजिला मकान जमींदोज, गाय सहित 18 कुत्ते भी मलबे में दबे। हिमाचल के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से दिल्ली लौटकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। बुधवार को भी सीएम सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के दिल्ली में ही रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए देने को लेकर बवाल मच गया है। प्रदेश भर में इन दिनों मासिक पेंशन को फॉर्म भरने को मारामारी मची हुई है। इस बीच बीजेपी इसकी शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंची है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के फोटो फाड़ने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव के ठीक पहले बिना बजट के सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जबकि 2 हफ्ते पहले पारित बजट में इस योजना का जिक्र तक नहीं है। प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नियत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। इसे कोर्ट ने नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय चुनाव आयोग की सख्ती के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेक्रेटरी राकेश कंवर से सामान्य प्रशासन विभाग वापस ले लिया है। यह कार्रवाई केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद की गई है। राकेश कंवर अभी सेक्रेटरी सीएम भी हैं, इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए उनसे सामान्य प्रशासन विभाग वापस लिया गया है। राकेश कंवर अभी सेक्रेटरी एजुकेशन, पशुपालन, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग है। सेक्रेटरी सीएम के साथ साथ वह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सामान्य प्रशासन और पार्लियामेंट्री अफेयर का एडिशनल चार्ज भी देख रहे हैं। ये सभी विभाग राकेश कंवर ही देखते रहेंगे। कुल्लू जिले के उपमंडल मनाली के जगत सुख में भूस्खलन से 2.5 मंजिल मकान जमींदोज हो गया है। आधी रात को हुए भूस्खलन में एक गाय सहित 18 कुत्ते मलबे में दब गए। घर के अंदर रह रहे पति पत्नी सुरक्षित है। मलबे को हटाया जा रहा है। 6 कुत्तों को जीवित निकाला गया। वह नवदीप सिंह पुत्र सतगुरु सिंह निवासी गांव हरिपुर मनाली ने बताया कि वह शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पुत्री गायत्री ने जगत सुख के नागली नाले में योगेश का 2.5 मंजिला मकान किराए पर लिया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 12 से 24 मार्च तक लगातार मैदानी व मध्य पर्वतीय कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज भी मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।